सेकंड स्टोरी ऑफ द चैप्टर लॉन्ग स्ट्रिंग, इसकी सेकंड स्टोरी क्या है? आई वेंट टू ड्राइव अ कार। हमने पहली स्टोरी पहले वीडियो में देखी है, अब ये सेकंड स्टोरी है, हम अब इसको कंटिन्यू करेंगे। इस स्टोरी में क्या कहते हैं, जो राइटर है वो एक मुकेश नाम के लड़के से मिलती है और वो भी एक स्लम एरिया में रहता है, यानी वो भी एक गरीब ही है, गरीब लड़का है, जैसे हमने आगे की स्टोरी में देखा था। यहाँ पे वो क्या कहते हैं, लेट्स बिगिन। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस्ड।
ज़्यादा अपने मुंह के आगे लगा लेती है, ट्रेडिशन है यहाँ का इंडिया का कि वो ऐसे रिस्पेक्ट देती है एल्डर्स को कि वो अपना मुंह है वो ढकती रहती है किसी से। तो ये भी यहाँ पे बहू है या फिर जो लड़की है वो भी ऐसे ही करती है जब उसके फादर जो आते हैं घर में तब, और वो जो है वो रोकर वॉल के पीछे छुप जाती है। आगे क्या कहते हैं, एज कस्टम डिमांड, जैसे कि हमारे इंडिया में कस्टम है ट्रेडिशन है वैसे ही इन दिस केस डॉटर इन लॉ लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर। इन दिस केस एल्डर इज इम्प्रोविस्ट का मतलब क्या होगा, इम्प्रोविस्ट मीन्स वेरी पुअर, वेरी पुअर मतलब वो उसके जो फादर है मतलब वो एकदम बहुत ही ज़्यादा गरीब है, फिर भी हमारे यहाँ सिचुएशन को नहीं देखा जाता, हमारे पास एल्डर है इसलिए हम उनके सामने रिस्पेक्ट करते हैं, उनके सामने जो ये वेल है मीन्स के जो ये पर्दा है वो डालते हैं। वो कहते हैं बैंगल्स मेकर, उनके फादर क्या थे बैंगल्स मेकर थे, बैंगल्स मेकर डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल्स मेकर ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस एंड हिज टू सन्स टू स्कूल और ही हैज मैनेज टू डू इट टेक देम व्हाट ही नोस द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उसके फादर इतने गरीब थे कि वो मतलब पहले